नमस्कार। ओलंपिक अपडेट को लेकर हम हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पदक की बड़ी आस। नीरज चोपड़ा ने बुधवार को दिखा दिया कि आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में अपने पहले प्रयास में 86.65 मीटर भाला फेंक कर फाइनल क्वालिफाई कर लिया है। जहाँ जैवलिन थ्रो में भारत का दावा बरकरार है, जहाँ नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। अपने पहले ओलंपिक में भाग ले रहे नीरज ने फाइनल राउंड में जगह बनाने के लिए कुछ ही समय लिया। फाइनल के लिए क्वालिफाइंग मार्क में 83.50 मीटर का था। ग्रुप ए में भाग लेने वाले नीरज ने बड़ी आसानी से इसे पार कर लिया। फिनलैंड के लेसी एट लातेलो ने भी 84.50 मीटर वाला भाला फेंक कर सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन चोपड़ा, यहाँ नीरज चोपड़ा ग्रुप ए में 16 खिलाड़ियों के बीच शीर्ष में रहे। उनका निजी और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 88.07 मीटर है, जो उन्होंने मार्च 2021 में पटियाला में इंडियन ग्रांड प्री 3 में बनाया था। 23 वर्षीय भारतीय अपने पहले प्रयास के बाद बाकी दो प्रयास नहीं किए, वह एरिना से बाहर चले गए। आपको बता दें कि जैवलिन थ्रो में एथलीट के कुल 3 प्रयास मिलते हैं, जिसमें से उनके सर्वश्रेष्ठ वैध प्रयास को गिना जाता है। यहाँ नीरज चोपड़ा निश्चित तौर पर क्वालिफाइंग कर गए हैं, जैवलिन थ्रो के फाइनल में है और भारत को पदक की आस बढ़ गई है। जहां पूर्व चैंपियन निश्चित तौर पर अभी भारत के लिए एक और पदक आ सकता है, और इस पर नीरज चोपड़ा ने जो अपने प्रयास किए हैं वो अद्भुत है। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में जैवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना ली है और उन्होंने 86.65 मीटर का भाला फेंक जो फेंका, जो क्वालिफिकेशन के लिए काफी था। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ओलंपिक अपडेट ऐसे देते रहेंगे। नमस्कार।